खबर बदरवास एसबीआई बैंक के सामने से है। यहां हम आपको बता दें कि एसबीआई बैंक के सामने एक घर में आतिशबाजी की सामग्री रखी हुई थी, वहीं उनका निवास है जहां अचानक आतिशबाजी सामग्री में विस्फोट हुआ और आग लग गई। आग लगने के कारण एक दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, वहीं चार की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एसबीआई बैंक के सामने पप्पू मंसूरी और बबलू मंसूरी का निवास है, वहीं उनका आतिशबाजी का गोदाम है। बताना होगा कि पप्पू मंसूरी और बबलू मंसूरी दोनों भाई हैं और आतिशबाजी का काम करते हैं। वहीं आतिशबाजी के काम में उनकी लेबर के एक दर्जन लोग वहां मौजूद थे। बताना होगा कि अचानक आतिशबाजी में विस्फोट हुआ और आग लग गई, जिसकी चपेट में लेबर सहित परिवार के लोग आ गए हैं। एक दर्जन लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं, वहीं चार की मौत हो गई है। तो मैंने बोला था कि आप उनको बता रहे हैं। बता रहे थे, पर कहीं बता दी पूरी घटना, समझ में आता है कि क्या है। मैं कंफ्यूज रहा हूँ, मैंने कहा था उनको कि कंफ्यूज मत हो, ठीक से जांच करो। सात आठ गांव में लगातार तार चोरी हो गई है, कट रहा है, मेरे चीज में लगे लोग बैठे हैं, डेली तार काट रहा है, डेली कर नहीं। तो क्या था आप तार काट रहे हैं, क्या था कि तुम्हें चेतना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा। रोक रहे थे, बात रहे थे, इतने अच्छा किया, मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये थोड़ा घर जाओ आप, उसको भी अपन बात लगे, संपर्क में हूँ मैं, रात में भी संपर्क में, सुबह भी बात हुई, और पी आई भी अभी इसमें लग गए होंगे।